Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Tanisha and I am Tanisha Jaiswal, first year MBBS student. So guys, last video में मैंने बोला था कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, और सबसे जो गंदा वाला कमेंट मुझे लगा, जो इतना बड़ा सेल्फ डाउट था, एक बच्चे ने पूछा कि क्या मैं अभी से अगर नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा तो नीट क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सारे कमेंट को साइड करके मेरे को लगा इस पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, जो करने बोलूँगी वो करना, और तुम्हें तुम्हारा आंसर भी मिल जाएगा और जो कैसे करना है ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। जितने भी दिन बचे हैं मैं कोई भी प्रिडिक्शन नहीं बताती हूँ डेट्स का, क्योंकि वो सारे फालतू चीज़ें होती हैं और तुम्हें भी पता है कि मैं कोई भी फालतू चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाती हूँ जस्ट व्यूज़ गेन करने के लिए, एंड दैट्स वाई मुझे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने में बहुत मेहनत किया है, लगा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो तुमने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, चलो अभी तुम लोग को खुद से पूछना है, तो आईज क्लोज करो। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको करने के बाद तुम ये करोगे, उसके बाद ही मेरी वीडियो आगे कंटिन्यू करोगे। आईज क्लोज करो, 10 डीप ब्रेथ्स। जो भी एन्जाइटी फील कर रहे हो, जो भी सेल्फ डाउट है, बैकलॉग की टेंशन है, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं उसकी टेंशन है, 10 डीप ब्रीदिंग के बाद तुम्हारे सारे थॉट्स ना 2-3 मिनट के लिए पॉज हो जाएंगे। देखो ऐसे करना है, होल्ड करना है 3 सेकंड के लिए, वो तुम अल्टर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एकदम अच्छे से 10 डीप ब्रीदिंग करने के बाद तुम अपने आप से पूछोगे कि क्या मैं जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% अगर दे दूं तो क्या मैं नीट क्लियर कर पाऊँगा या पाऊँगी। खुद से पूछो और ये तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी। अगर तुम अपने आप को कैपेबल समझते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, तो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी यार कर लेंगे यार। और अगर नहीं लगता है नहीं कर पाओगे तो मुश्किल है भाई, फिर बहुत मुश्किल है, फिर उसका तो कोई जवाब नहीं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। और जिसके अंदर से आवाज़ आई कि नहीं मैं कर लूँगा या कर लूँगी, उसको कैसे करना है वो आगे सुनो। देखो नीट में सिलेक्शन के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास है तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन पक्का है। सबसे पहला है सेल्फ बिलीव। वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी से तुम्हें रियलाइज़ कराया कि तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो और तुम अपने आप को कैपेबल समझते हो कि तुम नीट क्लियर कर पाओ, या जितना टाइम बचा है तुम उतने में नीट क्लियर कर पाओ। तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल का रियलाइजेशन कराया मैंने, और अभी तुम तुरंत जब तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि तुम नीट क्लियर कर सकते हो, मेरा वीडियो पॉज करो, मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करो, जैसा भी तुम अभी फील कर रहे हो, जितना भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या जो भी फील कर रहे हो, वो जो हाई एनर्जी तुम्हारे अंदर आई है सेल्फ बिलीफ की, उस मोमेंट को रिकॉर्ड करके रखो। जब भी डिमोटिवेटेड फील होना या लगे तुम नहीं कर पाओगे, यूट्यूब पे किसी का मोटिवेशन सर्च नहीं करना है, मोबाइल का गैलरी खोल के खुद का वीडियो देखना है। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट किया था कि बचे हुए दिन में मैं नीट क्लियर कर लूँगा। सो पहला चीज़ जो चाहिए था नीट में सिलेक्शन के लिए वो था सेल्फ बिलीव, और दूसरा चीज़ जो चाहिए नीट में सिलेक्शन के लिए वो है तुम्हारा एक माइंडसेट, एक कंप्लीट कंटेंट। तुम्हें पढ़ना क्या है, बोलते हैं ना कि यार बस ये पता चल जाए कि पढ़ना क्या है तो सिलेक्शन पक्का है। तो तुम्हें कंटेंट कलेक्ट करना है। जो बच्चे किसी भी कोचिंग से पढ़ते हैं XYZ, आई एम नॉट मैंशनिंग, उनके लिए तो कंटेंट उनका फिक्स है, बट जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नोन एज एफिनिटी एजुकेशन, ठीक है। इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी बच्चे फाइनेंशियली वीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आइडिया, जो आप शॉर्ट नोट्स मांगते रहते हो उसका एक क्या कहते हैं एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, क्विजेज हैं इसमें, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे कोचिंग में वो भी बेशक डाउनलोड कर सकते हैं, क्या पता आपको उसके अंदर से कुछ यूजफुल चीज़ें मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्टली प्ले स्टोर में एफिनिटी एजुकेशन लिख के डाउनलोड कर सकते हो। चलो ये चीज़ें हो गई, मतलब अभी सारे बच्चे के पास कंटेंट है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उधर से भी पढ़ सकते हो। यार जहाँ से ज्ञान मिले ना ले लो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि इधर से नहीं पढ़ना उधर से नहीं पढ़ना, वो भी मैं आगे बताऊँगी। आपको खुद चूज करना है आपके लिए कि आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है, ठीक है। कंटेंट कैसे चूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपना टीचर चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है सारे बच्चों को अगर एक टीचर से समझ में आ रहा है तो तुम्हें भी उसी टीचर से समझ में आए, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अपना टीचर चूज़ करो। वो कैसे कर सकते हो, टीचर के लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद तुरंत क्वेश्चन लगाओ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब तुम्हें उस टीचर का समझ में आ रहा है तो तुम उस टीचर को सिलेक्ट करो, ठीक है। बिल्कुल यूट्यूब पे कितने टीचर्स हैं, ऐप बताया है उस पर भी काफ़ी अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाला तो है ही। तुम्हें इतना टीचर्स का चॉइस मिल रहा है जितना हमारे जब ड्रॉप था हमें इतना नहीं मिला था भाई, नहीं तो इतना ड्रॉप ही नहीं होता, ठीक है। तुम टीचर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद तुम्हें जिस टीचर को तुमने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तुमने खुद सेलेक्ट किया है। टीचर के लेक्चर नोट्स, ठीक है, उसके बाद डीपीपी या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद पीवाईक्यूज एंड मॉक पेपर्स, टेस्ट पेपर्स जिसको बोलते हैं वो, एंड उसका मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन। इसके अलावा तुम्हें और कोई भी साइड बुक वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, ओके। हो जाएगा सिलेक्शन। तुम्हें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। टेस्ट में, एक टेस्ट में अगर 200 क्वेश्चंस होते हैं और आज से लेके तुम लेट्स एज्यूम नीट तक अगर 50 मॉक टेस्ट दे देते हो तो 50 × 200 10,000 न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम्हें साइड बुक की क्या ज़रूरत है यार। लेक्चर करो, टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी तो क्वेश्चन कराता है। टीचर के लेक्चर नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कंसेप्ट भी कराते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराते हैं। उसके बाद डीपीपी, उसके बाद ये जो टेस्ट तुम दे रहे हो वो, और पीवाईक्यू 10 ईयर प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो के तब से करना जब से NCERT बेस्ड आ रहे हो, उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए करना है। और बायो के लिए अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है तो उम्मीद बैच फॉर बायो इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कितना कंफर्टेबल फील कर। देखो ये कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि क्या मैं उम्मीद बैच से पढ़ूँ या डिटेल लेक्चर पढ़ूँ, इस टीचर के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं सच बताऊँ, ये अपने आप से पूछो कि तुम्हें किस चीज़ को करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। अगर तुम्हें उम्मीद बैच के लेक्चर्स करने के बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं, सारे PYQs लग जाते हैं तो उम्मीद बैच से करो। अगर उसके बावजूद तुम्हारे नहीं लगते तो तुम्हें डिटेल लेक्चर्स पे जाना चाहिए। सेम फॉर बायो, सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर फिजिक्स। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है या कौन सा चैप्टर कितना अच्छे से प्रिपेयर है। अगर तुम्हारे कोई चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो तुम वन शॉर्ट वीडियो कर लो, और नहीं प्रिपेयर है तो डिटेल लेक्चर्स कर लो, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, कुछ भी करो तुम्हें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और तुम्हारे क्वेश्चंस लगने चाहिए, ठीक है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, ये कर लो वो कर लो, तुम खुद करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ओके, थर्ड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होता है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना है, चीज़ों को रिवाइज़ करना है और रेगुलर टेस्ट देना है। जो जब भी तुम्हारा टेस्ट शेड्यूल हो उस समय तुम्हें टेस्ट देना है। ये तीन चीज़ें कंसिस्टेंटली अगर तुम करोगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। और ये सारे टॉपिक, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, चीज़ों को कैसे अप्रोच करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ें और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, मैंने बहुत ढेर सारी नीट से रिलेटेड गाइडेंस वीडियो पहले ही बना के रख चुकी हूँ मैं। टेस्ट क्यों देना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस, सारी चीज़ें बना के रख दी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे प्लेलिस्ट का। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है जो मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए उसकी भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लीज़ एक बार जाओ और चेकआउट कर लो क्योंकि मैं एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ। सो होप तुम्हें इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी बिगेस्ट मिस्टेक दैट द नीट एस्पिरेंट्स मेक वाइल प्रिपरेशन फेज, जो मैंने भी बहुत साल तक मिस्टेक्स किया था उसके भी ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो, ठीक है। एंड लव यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो एंड बेस्ट दो यार अपना। तुम्हें किसी से पूछना नहीं है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी। इंसान को अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। दूसरों को क्या पता है, दूसरा तुम्हें कितने अच्छे से जानता है, चलो बताओ, नहीं जानता यार, तुम्हें तुमसे अच्छा कोई दूसरा नहीं जान सकता है। मैंने कभी आज तक पूछा किसी से नहीं पूछा, मैं खुद से ही पूछती थी। तुम लोग भी खुद से पूछा करो। ओके टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।